गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास प्रेप। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे प से लेकर म तक व्यंजनों को हम किस तरह से लिखते हैं, और ये काम आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में किस तरह से करना है आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो जैसा कि पता है आपको कि हमने पिछली क्लास में त थ द ध न यानी त से लेकर न तक व्यंजनों को लिखना सीखा था। आज की क्लास में हम प से लेकर म तक यानी प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी और या ब से बकरी, भ से भवन और म से मछली किस तरह से लिखते हैं आज की क्लास में हम यह सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कक्षा कार्य लिखना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, आज की डेट लगानी है, उसके बाद पेज नंबर 6 पर आपको जो है आपके प फ ब भ म जो है वर्ण यानी ये एक व्यंजन है, प फ ब भ म ये पांचों क्या है व्यंजन है, ये आपको क्या कहाँ पर मिल जाएंगे, पेज नंबर 6 पर, वहां से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कक्षा कार्य लिखने के बाद लिखेंगे प से म तक, उसके बाद सबसे पहले प फिर फ फिर ब फिर भ फिर म। तो आप अपने पेरेंट्स को बोल के ये काम डलवा देना कॉपी में, और फिर उनको बोल देना कि ऐसे करके आपको यहाँ पे डॉट दे ताकि आप डॉट से लिखना स्टार्ट कर सको। तो डॉट से अगर आप लिखोगे तो एक ही लाइन में आपके शब्द बनेंगे, आपके जो वर्ण है एक ही लाइन में बनेंगे और काम भी एकदम साफ होगा। तो बच्चों चलो सीखते हैं कि किस तरह से हम इन वर्णों को लिख सकते हैं। तो जब भी मैं वर्णों को लिखूं, जब मैं वर्ण बनाना शुरू करूं तो आपको मुझे ध्यान से देखना है और फिर तभी आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे प। प हम किस तरह से लिखते हैं, प से पतंग, तो यहाँ डॉट दे रखा है, इस वाली लाइन से हमें लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए स्लिपिंग लाइन पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे प से पतंग, फर्स्ट वाली लाइन है, सेकंड लाइन वाली लाइन में घुमाकर हमें क्या करना है फर्स्ट वाली लाइन तक ले जाना है और वापस फर्स्ट वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन को टच करना है जिससे बनेगा प से पतंग। अब है फ से फल, तो देखिए प की तरह ही है, पहले प बना दे उसके बाद प, तो ये बनेगा प से फल। उसके बाद है ब से बकरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ब से बकरी, जैसे आपके बुक में क्या दे रखा है मैं आपको दिखाती हूँ, ब से बस कह सकते हैं तो ब से बकरी या फिर ब से बस। उसके बाद भ से भवन, भवन का अर्थ होता है घर। अब इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए बच्चों फर्स्ट वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन तक ले जाना है, फिर थर्ड वाली लाइन से शुरू होकर हमें वापस सेकंड लाइन को टच करते हुए स्लिपिंग लाइन पे लाइन लिखनी है, यहाँ तक लेके आए। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन की ओर जाना है और सेकंड लाइन से थर्ड लाइन की ओर, फिर स्लिपिंग लाइन पर एक बार फिर से हमें लाइन खींचनी है और भ से भवन। अब भ और म दोनों में कुछ ही डिफरेंस है। अब देखिए म कैसे बनता है, जिस तरह से हमने भ को बनाया था उस तरह से हमें म को बनाना है। तो ये बना म, एक मिनट, एक देखिए ये थोड़ा गलत बन गया, हमें क्या करना है लाइनों के ऊपर ही लिखना है। जैसे देखिए म, ये वाली जो लाइन है जो मैं ये वाली लाइन देखिए ये मैं ट्रेस कर रही हूँ, ये एकदम लाइन पर आनी चाहिए, लाइन के नीचे या ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए म, म से मछली। अब फिर से प से पतंग बनाते हैं, आप फिर से ध्यान से देखिएगा प से पतंग, उसके बाद प से फल, उसके बाद ब से बस, उसके बाद भ से भवन और उसके बाद है म से मछली, म से मछली। अब एक लाइन में आपको लिख के और दिखा देती हूँ। तो देखिए बच्चों फिर से क्या करेंगे, प से पतंग लिखेंगे, उसके बाद प से फल लिखेंगे, उसके बाद ब से बस लिखेंगे, जो ब बनाएंगे वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में बनाएंगे, फिर भ देखिए भ से भवन और म से मछली। तो इस तरह से जो है आपको प से लेकर म तक व्यंजनों को लिखना है।
सबसे पहले हमने लिखा प से पतंग, फ से फल, फिर ब से बस, फिर भ से भवन और फिर म से मछली। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है काम समझ आ गया होगा। अब देखिए आपकी बुक में मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए प से पतंग, फ से फल, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसा कि मैंने जब आपको व्यंजन पढ़ाए थे तब मैंने इन बॉक्स में आपको किस तरह से व्यंजन लिखने हैं मैंने आपको बताया था, जैसे प से पतंग, प से फल, उसके बाद ब से बस, भ से भवन और म से मछली। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। तो ये हो गया हमारा आज का काम। आज की क्लास में हमने प से लेकर म तक व्यंजनों को लिखना सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्यंजन भी किस तरह से लिखने हैं, अपनी हिंदी की कॉपी में किस तरह से काम करना है ये भी समझ आ गया है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगली क्लास में य र ल व, य र और ल तथा व को लिखना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।